जख्म का पता लगाना होगा कि हादसे में मौत किसकी हुई थी। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? लगता है विश्वा से झगड़ा हो गया। कब? विश्वा से बात करता है। हाय विश्वा, मैंने इमली को तुम्हारे कमरे से बाहर जाते देखा तो मैं समझ गया कि तुम दोनों में झगड़ा हुआ है। तुम्हारी सुलह कराने चले आया था मैं। इमली को उसके साथ की कीमत हर महीने देते रहना, वरना यह तुम्हें भी लूट लेगी। सेकेंडली, अपनी फैमिली को इसे बचा के रखना। इसकी बातों से, इसकी हरकतों से तुम्हें ये लगेगा मेरे बाद मेरी फैमिली का अपना कोई है तो वो इमली है। सुबह की चाय से लेकर रात की दवाई तक उनकी हर बात का ख्याल रखती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनका अपना घर है। अब बिना घर के घर वाले इमली के लिए कोई मायने नहीं रखते। ये सब का है? हाथ छोड़ो। तुम एक ही दिन में अक्षोत के छिलके से बदतमीजी के बलम बन जाओ और हम तुमका सवाल तक ना करें। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ो। हमारे बारे में ऐसी घटिया बातें तुमने बोली कैसी? किस हक से तुमने? हक तो तुम्हें भी नहीं है मुझे रोकने का, मेरा हाथ पकड़ने का, मेरे इतने पास आने का। उसने कहा कि तुम मेरे रूम में आई थी, क्यों? आप हमारे हर मुश्किल की जड़ है विश्वा जी, तो हो सकता है कि वो जड़ को काटने के लिए आए थे। क्या? इमली दोधारी तलवार है विश्वा जी, थामने से पहले सोच लीजिएगा, गर्दन आपकी भी कट सकती है। कमरा बंद करके सोना शुरू कर दीजिए, आगे की कहानी जाने राधा रानी।